हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्टोमानिया। आज मैं आपको जीएसटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में अब सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा। इससे पहले देश में करीब 18 प्रकार के टैक्सेस लगते थे। उन सभी टैक्सेस को खत्म कर सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया है। जीएसटी को 4 स्लैब्स में बांटा गया है। पहला स्लैब है 5% का, दूसरा स्लैब है 12% का, तीसरा स्लैब है 18% का, चौथा स्लैब है 28% का। आइए हम उन सामान के बारे में जानते हैं जिन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। खुला अनाज, ताजी सब्जियां, गुड़, दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, खुला शहद, खजूर का गुड़, नमक, काजल, फूल झाड़ू, शिक्षा सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवाएँ, बच्चों की किताबें। इसके बाद हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन पर सिर्फ 5% जीएसटी टैक्स लगेगा। चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी, खाद्य तेल, मिल्क पाउडर, पैक्ड पनीर, काजू, किशमिश, पीडीएस केरोसिन, घरेलू एलपीजी, जूते चप्पल, कपड़े, अगरबत्ती और टॉयलेट मैट। अब वह सामान जिन पर सिर्फ 12% टैक्स लगेगा, बटर, घी, बादाम, फ्रूट जूसेस, अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, छाता और मोबाइल। वो सामान जिन पर 18% टैक्स लगेगा, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, पास्ता, कॉर्नफ्लैक्स, सूप, आइसक्रीम, कंप्यूटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए फैक्टोमनिया को सब्सक्राइब करें।